किसी साहिल ने सवाल किया कि हजरत कटहल जो एक सब्जी होती है, फल होता है, सब्जी के काम में आता है, क्या उसका खाना नाजायज है? देखिए हजरत, वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हलाल फरमाई वो बंदों के लिए हलाल है, जिसको हराम फरमाया वो हराम है। अगर कटहल खाना नाजायज़ और हराम है, जायज़ नहीं है, तो इसकी कोई दलील होनी चाहिए। जो चीज़ें हलाल थीं वो हलाल अल्लाह और रसूल ने की, और जो हराम हैं वो अल्लाह और रसूल ने हराम कर दी। हुज़ूर फरमाते अल हलालु मा अहल्ला अल्लाहु फी किताबी वल हरामु मा हर्रम अल्लाहु फी किताबी, यानी हलाल वह है जिसको अल्लाह ताला ने किताब में हलाल फरमाया, हराम वह है जिसको अल्लाह ताला ने किताब में हराम फरमाया। तो ये जाहिल हजरात अपनी तरफ से मसला करके बता देते हैं, कटहल एक सब्ज़ी ही है, एक फल है जो सब्ज़ी के काम में आता है, और पकने के बाद कच्चा भी ऐसे ही खाया जाता है बग़ैर पकाए। ये शहतूत की नस्ल से एक फल है। शहतूत छोटा होता है, ग्राम 10 ग्राम का, और ये बड़ा होता है। हमारे यहाँ किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक का होता, लेकिन सुनने में आया कि ये 32 किलो तक भी होता है। हाईएस्ट इसका 32 किलो है। ये बेहतरीन सब्ज़ी है, बेहतरीन इसमें ताकत होती है, और हमारे यहाँ काफ़ी खाया जाता है हिंदुस्तान और यूपी वगैरह में, और दीगर ममालिक में भी कई जगह ये खाया जाता है।